आज नेशनल प्रेस डे है और इसी हफ्ते केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आपत्तिजनक पोस्ट और फेक न्यूज़ फैलाने वालों पर शिकंजा कसने का ऐलान किया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश के बाद पहले यूपी पुलिस ने इस पर अमल करते हुए राज्य में सोशल मीडिया कंप्लेंट सेल का गठन कर लिया। साथ ही ऐसी खबरों के बारे में शिकायत दर्ज करने के लिए यूपी पुलिस ने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है जिस पर 24 घंटे शिकायत दर्ज की जा सकती है। डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज, आपत्तिजनक पोस्ट और ब्लैकमेलिंग जैसी आपराधिक गतिविधियों पर अब नजर रखने के लिए केंद्र सरकार ने आदेश सभी राज्यों को दे दिया है। साथ ही एक सोशल मीडिया कंप्लेंट सेल बनाने को भी कहा गया है। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश के बाद पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस पर अमल करते हुए राज्य में सोशल मीडिया कंप्लेंट सेल का गठन भी कर लिया है। यूपी पुलिस ने इस प्रकार की तमाम खबरों की शिकायत दर्ज करने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर 8874327341 भी जारी किया है। साथ ही इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति 24 घंटे शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर समेत किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर विवादित या आपत्तिजनक पोस्ट की जाती है तो शिकायत मिलने के बाद पुलिस उसकी बारीकी से जांच करने के बाद ही कार्रवाई करेगी। शिकायत दर्ज करने के लिए कोई भी व्यक्ति टेक्स्ट मैसेज, पोस्ट की स्क्रीनशॉट, वायरल वीडियो क्लिप को सोशल कंप्लेंट सेल के दिए गए नंबर पर भेज सकता है। वहीं यूपी के डीजीपी ओपी सिंह ने बताया कि राम मंदिर निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद 24 घंटों के अंदर कई फेक न्यूज और आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया में शेयर किए गए और अब पुलिस ने राज्य में 70 लोगों को गिरफ्तार किया है जबकि 250 से ज्यादा अकाउंट्स पर पुलिस कार्रवाई करने की तैयारी में है। सरकार द्वारा ये भी साफ तौर पर कहा गया है कि फिलहाल नजर सिर्फ डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ही रखी जा रही है। हालांकि सरकार ने ये भी कहा कि जरूरत पड़ने पर सरकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी टीवी पर भी नजर रखेगी। शनिवार जहां देश नेशनल प्रेस डे मना रहा है वहीं दूसरी ओर सरकार ने मीडिया पर निगरानी करने के संकेत दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।